सर पकवाड़ा का है सर, यहाँ ये हेरिटेज बिल्डिंग की सर एक हंड्रेड टाइप का स्कूल टोटली सर, हमने इसका डिजाइन सेव किया है सर, अब ये बिल्कुल नया बना है इसके ऊपर सर। आज 13 हो रहे हैं, 17 और 13 हो रहे हैं, 13+1 अमृतसर, अमृतसर वाला सर ये आदमपुर जलंधर है, इसमें भी सर 20 क्लासरूम टोटली सर, सब कर रहे हैं आईसीटी लैब सेम क्वालिटी ऑफ सर, जो यहाँ एडमिशन सब में हो गया, सब में चल रहा है सर, टोटल 1550 बच्चों ने अप्लाई कर दिया सर, यहाँ पे अभी क्लासेस चालू चल रही है, अभी पोर्टल खुला है इस साल के लिए, इस बार की भी जो है सर हम लोग सर ये खडूर सर, ये इसमें सर अब हम एस्को टॉप भी लेकर आ रहे हैं, करीब 8 करोड़ रूपए लगे सर, ये सर यहाँ जगह कम है बट ये रेनोवेटेड स्कूल एंड ये आइडेंटिफाइड लैंड अगेन अ ग्रीनफील्ड स्कूल, सर दिस इज अमृतसर सर मॉडल टाउन अमृतसर, इसमें 5 करोड़ का ऑडिटोरियम भी बना है, अमृतसर में 2 हो गए सर, अमृतसर में 4 हो गए, 4 स्कूल का शुभ आरंभ, दिस इज अगेन अमृतसर माल रोड अमृतसर, दैट वॉज टाउन हॉल सर, छाटा एक और बन सर, दिस इज हम लोग फतेहगढ़ साहब, इसमें भी सर हमने 3 करोड़ लगाया सर, बहुत शानदार बिल्डिंग हो गई है और इसमें भी सर एक्सपोर्ट ऑफ आ रही है, दिस इज सर रामनगर बठिंडा, बठिंडा में सर 2 स्कूल हो गए सर, आज हम लोग का नॉमिनेशन जलालाबाद सर, दिस इज जलालाबाद सर, 4.5 करोड़ रुपए लगे सर, इसमें सर न्यू क्लासरूम लैब लाइब्रेरी सर, बिल्डिंग थी बहुत खस्ता हालत में से, सब कुछ नया कौन सी क्लास है? प्लस वन कौन सा सब्जेक्ट? साइंस। वेरी गुड, कितने बच्चे हैं क्लास में? सर 26 बच्चे हैं, तो अभी इसी साल से क्लास शुरू हुई है, पिछले साल से हो गई? इसी साल से हुई। ओके, सो अभी एक साल 12th और होगा, तो कैसे लगे स्कूल? बढ़िया, अच्छा। पहले कितने पढ़ते थे? पहले स्कूल जो था सर वो एक प्राइवेट स्कूल था, प्राइवेट हूँ सरकारी जाके। कितने बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे पहले? 5 और गवर्नमेंट में कौन कौन पढ़ता था? कौन से वाले गवर्नमेंट में पढ़ते थे? गवर्नमेंट जमालपुर सर। अच्छा, ये ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा? ये ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा। तो आप जो प्राइवेट में पढ़ते थे उन्होंने माँ प्यो ने की क्या अभी तो सरकारी जाना है, तुसी माँ प्यो ने क्या क्या सिखाया? सर जो तुसी अनाउंस किया कि स्कूल ऑफ एमिनेंस साडे पंजाब दे विच भी खुलदे पए आ, जिन्हां दे विच विद्यार्थियों नूं ओह सहूलतां दित्तियां जाणगियां जिहड़े वड्डे वड्डे स्कूलां दे विच उच्च पत्री फीस दे के मिलदियां ने सर, साडा मन खुद करन लगा कि असीं भी सरकारी स्कूल दे विच जाईए ते इस चीज़ दा। तुसी मापिआं नूं मनाया फिर? सर मापिआं नूं वी इही लगा कि बहुत वधिया उपराला सरकार द्वारा कीता जा रिहा है ते सर एडमिशन लै चाहिए। यहाँ सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल कौन सा है लुधियाना में? ये ज्यादा अच्छा है कि वो ज्यादा अच्छा है? ये उससे प्राइवेट, सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा है ना, वहाँ तो स्विमिंग पूल भी नहीं होगा, लॉन टेनिस भी नहीं होगा, यहाँ जो फैसिलिटीज है वो किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं है, पूरे पंजाब में बेस्ट स्कूल, बेस्ट स्टूडेंट्स। क्या बनोगे बड़े होके? आप क्या बनोगे? डॉक्टर। आप क्या बनोगे? सारे डॉक्टर ही बने। आप क्या बनोगे? डॉक्टर। मैकेनिकल इंजीनियर। वेरी गुड, गुड लक। सर इसको पहला गया स्कूल से ना राजपुर रोड के सी, सिर्फ 600 स्क्वायर यार्ड के बीच। अच्छा, ये जो स्लम में था ये स्कूल जो यहाँ शिफ्ट करना है? अच्छा, स्टाफ रूम में। सर आगे जाना, आगे जाना। एडमिशन चल रही है तो
ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਟਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 50,000 ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਰ ਹੋਟਲ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਸਰ 50,000 ਅੱਛਾ 100,000 ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 8200 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਰ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰ ਅੱਛਾ ਇਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 24-25 ਸਰ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 50,000 ਆਲਰੇਡੀ 50,000 ਯੈਸ ਸਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 50,000 और इस बार कितनी सीट है 18,000 सीटों के लिए कौन सी लैब है ये फिजिक्स कौन सी क्लास में आप लोग प्लस वन क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो दिखाओ सर ये जो है हमें करंट के फ्लो के बारे में बताता है जैसे कि ये वो ए करंट बताएगा ये वोल्टेज बताएगा जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है इधर करंट बढ़ रहा है ये इसका ग्राफ है करंट कितना कितनी वोल्टेज में बढ़ रहा है यहाँ से पहले कहाँ पढ़ते थे प्राइवेट हाँ प्राइवेट में तो फीस भी बहुत होगी उसमें तो पेरेंट्स ने क्या कहा तो मैंने एम्बुलेंस का पेपर दिया था फिर तो एम्बुलेंस क्लियर हुआ और ये स्कूल बहुत अच्छा है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हमें लैब माता पिता देख के भी गए थे स्कूल मतलब हाँ जी पहले आई थी यहाँ पे यहाँ पढ़ते हैं हाँ जी ऐसे स्कूल भी मुझे आना है पूरे पंजाब में मेरे अच्छा क्या बनोगे बड़े डॉक्टर बनोगे प्राइवेट जो कौन कौन आए थे प्राइवेट तीन प्राइवेट तीन गवर्नमेंट से आप गवर्नमेंट से अच्छा लग रहा है स्कूल क्या गवर्नमेंट जो आया है मैं गवर्नमेंट से सर मैं मेरा नाम तरनवीर मैं पहले जेडे स्कूल से गवर्नमेंट से सीखा कोई भी प्रैक्टिकल चीज करनी सी कोई लैब नहीं सी ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੂਲ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਲੈ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲ ਆਇਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੱਚੂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੋਡ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੱਕੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੋਨੋਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਇਹ ਹਨੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ H2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਫਿਰ ਆਇਲ ਫਿਰ ਅਲਕੋਹਲ इन सब की अपनी अपनी डेंसिटी है जैसे कि हनी है हनी की सबसे ज्यादा डेंसिटी है तो वो सबसे नीचे जाके सेटल डाउन हो रहा है उसके बाद उससे कम डेंसिटी है डिश वॉश की हनी से कम है तो हनी के ऊपर जाके सेटल डाउन हो रहा है फिर उससे कम है H2 वाटर की फिर वो डिश वॉश से ऊपर है फिर ऑयल की है ऑयल से ऊपर है अल्कोहल इन सब की अपनी अपनी डेंसिटी है तो वो अपने हिसाब से सेटल डाउन हो रहा है उसकी वजह से अब ये आयरन नेल्स है आयरन नेल्स की जितनी डेंसिटी होगी वो अपने हिसाब से उतनी डेंसिटी के अंदर सेटल डाउन होंगे इनकी जितनी डेंसिटी थी वो हनी के साथ मैच होती थी ये सब हनी के अंदर गए जितनी इनकी डेंसिटी थी उतनी हनी की है तो वो हनी के साथ मैच हो गया हनी के अंदर सेटल डाउन हो गई उसके बाद ये रबर बॉल है इसकी जितनी डेंसिटी होगी वो अपने हिसाब से जाएगा इसकी डेंसिटी डिश वॉश के अकॉर्डिंग थी तो वो डिश वॉश के अकॉर्डिंग अपने डिश वॉश के अंदर चला गया उसके बाद ये है टेनिस बॉल
टेनिस बॉल की डेंसिटी ऑयल से मैच होती है, तो वो ऑयल के अंदर जा रहा है। उसके बाद है प्लास्टिक कैप, प्लास्टिक कैप की डेंसिटी है अल्कोहल के अकॉर्डिंग, तो वो अल्कोहल के अकॉर्डिंग अपने ऊपर अल्कोहल के ऊपर फ्लोट हो रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर एक सब्सटेंस की अपनी अपनी डेंसिटी होती है, सब अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेटल डाउन होते हैं। इसके कई सारे यूजेस भी हैं, जैसे यू कैन यूज इन सेपरेशन टेक्निक्स, जैसे कि इसे हम बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल के अंदर यूज कर सकते हैं, अलग अलग केमिकल को अलग अलग सेपरेट करने के लिए। और ये यूज होता है फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, और ये सब यूज होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। जैसे हम अपना ब्लड टेस्ट करते हैं, उसके अंदर कितने सारे ब्लड टेस्ट के अंदर हमारे WBC होता है, RBC होता है, प्लाज्मा होता है, मेम्ब्रेन होती है, उन सबको अलग अलग करने के लिए, अलग अलग अपने अपने डेंसिटी अकॉर्डिंग सेटल डाउन करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ताकि WBC अलग हो, RBC अलग हो, प्लाज्मा अलग हो। तो ये अपने अपने डेंसिटी अकॉर्डिंग इसलिए यूज होता है, इसलिए इसका नाम है डेंसिटी ग्रेडिएंट। पहले कहाँ पढ़ते? मल्टीपर्पज प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। आप यहाँ? यस सर। यहाँ क्यों आए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब ये बिल्डिंग देखी तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी, क्योंकि बिल्डिंग इतनी बढ़िया बिल्डिंग है कि प्राइवेट से देखो तो प्राइवेट से बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, एकदम आंखों में पड़ जाती है कि हाँ यहाँ पे एडमिशन लेनी है। तो ये ऐसा मेरे को हुआ कि मेरे को यहाँ पे एडमिशन लेनी है। तो जब मैंने सुना एमिनेंस का स्कूल है और इसके लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो हमने वो सब फिल किया, फिर एंट्रेंस एग्जाम हुआ, हम वहाँ पे सिलेक्ट हुए, तो हमको यहाँ पे एडमिशन मिली। और जब यहाँ पे एडमिशन हुई तो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि यहाँ पे हेल्पफुल स्टाफ है, इतने सारे प्लेग्राउंड्स हैं, सबके हमको एजुकेशन के अंदर इतना हमको प्रोवाइड किया गया है, केमिस्ट्री लैब दिए गए हैं, बायोलॉजी लैब दिए गए हैं, फिजिक्स लैब है, इंटीग्रेटेड लैब है, हेल्पफुल स्टाफ है, और इतने सारे प्लेग्राउंड है हमको कि स्पोर्ट्स के आगे भी बढ़ाया गया पंजाब को, कि ताकि पंजाब स्पोर्ट्स में भी जाए, मेडल्स लाए, ओलंपिक में परफॉर्म करे, और एजुकेशन के अंदर बढ़ाया गया ताकि पंजाब के बच्चे बनना पड़ेगा साइंटिस्ट बन ही चुके। कौन कौन बच्चा प्राइवेट से है? आपके पापा क्या करते हैं? सर माय फादर इज टेलर। आपके पापा? वेरी गुड, कीप इट अप, गुड लक। फिर प्राइवेट तुम अच्छे लगे? सर बहुत अच्छा है, मतलब वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन कर सकते। पेरेंट्स कुछ नहीं? सर बहुत नहीं, फिर किन्हें मनाया तुम्हें पेरेंट्स? हाँ जी, मेरे सरकारी एजुकेशन है, ये तो सरकारी तो समझ ही नहीं था। नहीं सर जो नहीं पता लॉकडाउन आ गया सर, तो वो करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चाह रही है मैं करके, फिर प्राइवेट गवर्नमेंट लाता, तो फिर मेरे जो इंचार्ज ने उन्होंने मैंने काफ़ी मोटिवेट किया, मतलब उठे नारो सर अम्मा मेरे हाउस वाइफ ने, पापा मेरे मार्केटिंग का काम कर इंडिपेंडेंट भाई। सर मेरी कोशिश है ब्रदर है छोटा। की बनेगा बेटा? सर होने का नहीं कुछ। सर मैं टीचिंग फील्ड से। थैंक यू वेरी ब्राइट किड सर, मिस्टर एच सर प्लीज सर आप इधर। सर ये स्कूल की एक तो जो है सर इन्होंने बुक बनाई है सर, ये आपसे कंप्लेंट करवाना चाहते हैं। सर तो फोटो में सर इसमें प्रिंसिपल सब होगी, स्कूल की सारी जो है डिटेल्स अभी ये बना दिया, पहले क्या था सर, अब जो है वो क्या नई चीजें आई हैं वो सही बच्चों ने बनाया। बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन के लिए सर बाथरूम्स वगैरह जो बने, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स का, ये सर इन्होंने अपना कैलेंडर भी एक तैयार कर लिया पूरा स्कूल का जो है वो, कि इनके टेबल कैलेंडर के सर एक मिस्टर बुक है, ये भी सर एक बार आप अनवील करते हैं सर। Thank you.
जो होती है एडमिशन होती है, जब हमारी लैब है जी, ये 10 कंप्यूटर है, 20 कंप्यूटर है, हम आपको दिखाएंगे, एडमिशन हो गई, दैट्स चैप्टर क्लोज, उसके बाद खत्म कुछ नहीं आता। तो ये पहली बार हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल, देखिए हमें डेढ़ लग रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट स्कूल बैठे है ना, आई थिंक सो, बस हमने प्राइवेट स्कूल भी है, ये गवर्नमेंट स्कूल भी है, लेकिन आई सल्यूट दिस, फर्स्टली आई सल्यूट सब भगवंत सर को जिन्होंने ये सोचा, एंड स्पेशली मान साहब के लिए बहुत अच्छा। जी सर, आपने जो और मान साहब ने जो ये स्कूल ऑफ फाइनेंस के लिए जो भी किया है, ये बहुत कुछ मान लीजिए कि हमारे बच्चे तो मालिक हम इतने बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं सकते थे, पर ये सारी चीजें देख के मन बहुत प्रफुल्लित है, और मान लीजिए ये है कि अब हमारे भी बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ सकेंगे, और आपने और मान साहब ने जो भी स्कूल ऑफ फाइनेंस के लिए जो भी किया है और दिया है, बहुत कुछ दिया सर, देख के मन बहुत कुछ है, और थैंक यू सर मान सर का, और आपका भी सर, जो आपने शिक्षा के लिए जो क्रांति लाया है वो अब दिख रहा है कि हाँ आपने जो कहा है सवाल पूरे कर रहे हैं। सब तो पहला था मैं पंजाब सरकार का बहुत ही धन्यवाद हाँ, जिन्होंने पंजाब दे विच भी ऐसा दे स्कूलों की शुरुआत की, असी अक्सर देखते सी पिछले कुछ साल भी दिल्ली में स्कूल जेडे खोले गए हैं बहुत ही अच्छे ने, बच्चों हर एक सुविधावां दित्तियां जा रही ने, उन्होंने देख के साडे मन में भी होंदा सी भी काश पंजाब विच भी ऐसा दे स्कूल खुलन जे साडे बच्चों उही सुविधावां दित्तियां जान, पर अज सानू लगता कि साडा सपना बिलकुल साकार हो गया, ईवन एनिया सुविधावां दित्तियां ने कि प्राइवेट स्कूल चाहे एनिया ने वड्डे हैगे आ पर उह सुविधावां नूं पूरा नहीं कर सकते, ईवन जो बच्चे की पढ़ाई खत्म हो जाती थी कंपीटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए भेजा जाता सी, तां साडे वर्गे परिवार है जिहड़े वह कई बार सोचते सी भी नहीं असी एफर्ट नहीं कर सकते, पर हुण असी देखिया है जिदा कि एफिडेंस स्कूल दे विच नीट की तैयारी लई जेई की तैयारी के लिए पूरी दित्तियां जा रही है, कैंप लगाए गए हैं, एक्सपोजर विजिट की गई है, मोटिवेशनल फिल्मां दिखाइया गई है, हर एक चीज मैं कहना फीस स्ट्रक्चर तो लैके इंफ्रास्ट्रक्चर तक स्टाफ तक ईवन बच्चे आते हैं सानू बहुत ही प्रशंसा करते हैं टीचर की भी कि जेडे टीचर सानू पढ़ा रहे है इन्ना वधिया ढंग दे नाल कंसैप्ट साडे मन दे विच केड़ी क्लास च बच्चा तुहाडा प्लस वन है पर एक कमी मेनू महसूस होंगी है काश जेकर तुहाडी सरकार पहला होंगी तो शायद असि भी सरकारी टीचर होंगे कोई नहीं बच्चा अफसर बन गया सो सर बहुत ही वधिया तुहाडा उपराला नीयां तुसीं मजबूत कर दित्तिया कहते गुआचन भी कहते लभ जाती जेड़ी पूंजी मेहनत नाल कमाई होवे कदी डिगदी नहीं इमारत तो जेड़ी चंगी नहीं रख के बनाई होवे सो वाकई तुसी एनिया नीहां मजबूत कर दित्तिया मैं कहना एजुकेशन के खेत्र दे विच आने वाले सालों दे जो बहुत वड्डा बदलाव देखने में आएगा बहुत बहुत तुहाडा धन्यवाद बहुत ही ज्यादा धन्यवाद आप कुछ कह रहे हो सर बस यही कहने जा रहे हैं कि भी बहुत वधिया सानू महसूस हो रहा है कि बच्चा साडा इत्थे पढ़ रहा है मेरे कोले वो शब्द नहीं हैगे कि जिन्हां नाल मैं पंजाब सरकार दा या सीएम केजरीवाल साहब दा तुहाडा भी मतलब कि धन्नवाद कर सकां कि एक मैनूं इह बहुत वधिया उपराला लगे कि जिहड़ा मैरिटोरियस और एमिनेंस दी तुसीं ज्वाइनिंग करती बच्चों लई ऑप्शन रख दित्ती है मैं इस चीज का मेनू जो पता लगे है कि वह चीज बच्चा सिलेक्ट कर सकता है कि असं एमिनेंस में जाना है या मेरिटोरियस में जाना है भी इसे सेम कर लिया और पंजाब साढ़े पंजाब के स्कूलों के पंजाबी भी अहमियत दी जा रही है इंग्लिश मीडियम भी हर एक तरह की फैसिलिटीज है मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी पूरी पंजाब सरकार का एजुकेशन मिनिस्टर साहब का Thank you.
पुत्र भी नहीं थी। बहुत अच्छा, गुड लक। तो ग्रीनफील्ड स्कूल में लगभग 10 करोड़ लगता है। और एग्जिस्टिंग स्कूल में भी लगभग उतना ही लगता है। नहीं सर, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा। अच्छा अच्छा जो पहले दिन देखा था। हम्म,